અને હવે આગળ વાત કરીએ દેશના ટોપ 9 સમાચારોની। કર્ણાટક હિજાબ વિવાદમાં હાઈકોર્ટનો ફેંસલો, વિદ્યાર્થીઓની અરજી કર્ણાટક કોર્ટે ફગાવી। હાઈકોર્ટે કહ્યું કે હિજાબ એ ઇસ્લામ ધર્મનો અનિવાર્ય હિસ્સો નથી, વિદ્યાર્થી યુનિફોર્મ પહેરવાનો ઇનકાર ન કરી શકે। હાઈકોર્ટે કહ્યું કે હિજાબને ધર્મની આસ્થા સાથે ન જોડી શકાય, તો હવે હિજાબ મામલે અરજી કરતા વિદ્યાર્થીનીઓ હાઈકોર્ટના ફેંસલાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારશે। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ना चुकादा थी सहमत नथी। एआईएमआईएम ना प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहू सुप्रीम कोर्ट ना खखड़ावीशु दरवाजा। ओवैसी ए कहू के हूं हाईकोर्ट ना फैसला थी असहमत छु अने असहमत होवु मारो अधिकार छे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ना चुकादा ने जम्मू काश्मीर ना पूर्व मुख्य प्रधान महबूबा मुफ्ती अने ओमर अब्दुल्लाए गणाव्यो निराशाजनक अने कहू के केवा वस्त्रों पहेरवा ते नक्की करवानो अधिकार महिलानो। पाकिस्तान पर बोलती मिसाइल छूटी जवानी घटना अंगे संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह राज्यसभा में जवाब आप्यो। राजनाथ सिंह कहू कि सरकारे आ घटना ने खूब गंभीरता थी लीधी छे अने आ माटे उच्च स्तरीय तपासना आदेश पण अपाया छे। युक्रेन में भारतीयों ने सुरक्षित परत लावा अंगे विदेश प्रधान एस जयशंकरे लोकसभा में निवेदन आप्यु। जयशंकरे कहू कि अनेक पड़कारों सामनो करीने आपणे 22,500 भारतीय नागरिकों ने सुरक्षित भारत लाव्या। ऑपरेशन गंगा अंतर्गत 90 फ्लाइट्स नो संचालन करायो। विदेश प्रधाने युक्रेन मुद्दे आपेला निवेदन बाद शुरू थयेली चर्चा में भाग लेता कांग्रेस नेता आनंद शर्माए केन्द्र सरकार ना वखाण कर्या। आनंद शर्माए कह्यु के विदेश मंत्रालय डिप्लोमेट्स विदेशों में भारतीय मिशन जे काम कर्यु छे ते आसान नहोतुं। तेलंगाणा सरकारे जाहेरात करी छे के युक्रेन थी परत फरेला मेडिकलना विद्यार्थीओना आगळना अभ्यासनो खर्च राज्य सरकार भोगवशे। रशिया युक्रेन युद्धना कारणे तेलंगाणाना अनेक विद्यार्थीओ तेलंगाणा परत फर्या छे। जम्मू काश्मीरना पुलवामा जिल्लाना अवंतीपोरामा आतंकवादीओने सुरक्षा दळो वच्चे अथडामण थई जेमां एक आतंकीने ठार करायो। बातमी मळ्या बाद सुरक्षा बळो आतंकवादीओ छुपाया हता त्यां पहोंच्या ज्यां आतंकवादीओए फायरिंग शुरू कर्युं हतुं। આવતીકાલથી દેશભરમાં 12-14 વર્ષના બાળકોનું શરૂ થશે કોરોના વેક્સિનેશન। આ બાળકોને બાયોલોજીકલ ઈ હૈદરાબાદ દ્વારા નિર્મિત કોર્બેવેક્સ રસી અપાશે। આ ઉપરાંત 50-60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો કોવિડની રસીનો પ્રિકોશન ડોઝ લઈ શકશે।